हमने 2.5 दिन ने हो रिया पड़े पड़े आज हमारी पूजनी करी, हमारी आत्मा रो रही उधर से, इनका नाश होगा देखियो तो हमारी आत्मा का सराब पड़ेगा लोगों पर, पार पार करके जमाता है शहीद हुआ या लड़ाई जीतूंगा। मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और जहाँ पे हजारों की संख्या में किसान 3 कृषि कानून बिल के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी धरना प्रदर्शन स्थल पर 97 वर्षीय बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अब अपनी केंद्र की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। वही जोश है, वही जज्बा है, वो जोश अभी तक कम नहीं हुआ है। हम खुद बात करते हैं, क्या नाम है आपका? इलम सिंह। सर क्या उम्र क्या है, पहले सबसे पहले आप अपनी उम्र बताइए। 97 साल। 97 साल के बुजुर्ग हैं आप, अंग्रेजों से आपने लोहा लिया है, पहले के आंदोलन में और आपके आंदोलन में कितना फर्क नजर आ रहा है? बहुत अंतर है भाई, वे आदमी तो इतना खड़े बढ़िया थे, ये तो हट्टी आदमी है। हमने 2.5 दिन ने हो लिया पड़े पड़े आज हमारी पूज नहीं करी, वे तो अगले दिन ही आ जाते, बताओ बाबा तुमने क्या परेशानी है, बुझर क्या, ये आज तक नहीं पूछ रहे हमने तो इन्हान तो धरती आसमान का अंतर है। उनके अंदर आत्मा जिंदी थी, इनकी आत्मा मर चुकी है, ये आदमी ना आदमी नहीं मान रहे, ये अपनी राजगद्दी पे निर्भर हो गए, हमें कुछ नहीं समझे, कीड़े मकोड़े मान रहे हमने, और हमने देश को खाने को दे रहे, देश को सगड़ी सुरक्षा कर रहे, हमारे लड़के फौज में, हमारे लड़के पुलिस में, हम देश को कमा के खुआ रहे, और अंदाजा हमने नक्सलवादी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे, बदमाश बता रहे, गुंडे बता रहे, हमारे बटाले बकेले उतरा इन्होंने, इनके आदमियों ने, हमने पता जो दो रात हमने यहाँ काटी है, हमारी आत्मा रो रही उतरा से, इनका नाश होगा देखियो तो हमारी आत्मा का सराब पड़ेगा लोगों पर, किसी आत्मा सताई बढ़िया नहीं होती बेटा, आत्मा से परमात्मा जो सता होगा किसी आत्मा ने परमात्मा उससे डंबारा ले, इससे परमात्मा यो तो रावण से भी हट्टी बढ़िया। ताऊ एक बात बताओ, आप 2 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ पर हो, आपके परिवार वाले आपको याद करते होंगे? बेटे लोग आरम भट्टा बिक गया, रिश्तेदार पोते बेटे सब आ चुके हैं, पाया में जापड़े मेरा प्रण में जमा नहीं तरह, आर पार करके जमाता है शहीद हुआ या लड़ाई जीतूँगा, मेरा ये प्रण है। आपने कई दौर देखे हैं अपनी उम्र के, आप इस पड़ाव पर हो, आपने कई दौर देखे हैं, पहले के आंदोलन में और आपके आंदोलन में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा है, धरती आसमान का अंतर है बेटे, उस वक्त बहुत कुछ सुनाई होती थी, अब तक तो तलपट नगरी अन्यायी राजा हो रहा, इसे जान ही नहीं अपनी प्रजा का, प्रजा सारी सगड़ी मर जाओ। अरे बेटा बात ये देखिए, 2.5 महीने से हम यहाँ पड़े, इसके आत्मा जिंदी होती तो आ जाता, अंदाता बताओ क्यों पड़े हो यहाँ, हम कुछ मांग नहीं रहे इसका, हम तो अपना हक मांग रहे, हम नो नहीं कह रहे, हमने तो दम दे दे, हम तो जो है शर्त लगाई हमारे पे ये हटा दे, हम इससे कुछ मांग नहीं रहे, हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हम तो, जो हमें गुलाम बना रहे हमने गुलाम बनना नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाह रहे हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? जो संदेश देना चाह रहे बेटा, इसे ज्ञान हो जगह गए, जैसा हमने बढ़ाया ऐसा इन्हें उतार भी देंगे, हम हमारे नौजवान सब बच्चे भारी गैल हो गए। हम नौजवान की आपने बात करी, आपके आसपास में इतने सारे नौजवान बैठे हुए हैं, वो आपसे एक सीख लेते हैं, और इनका 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 आप इन्हें क्या सीख देना चाहते हो? ये नौजवान ना ये सीख दे रहा हूँ कि बेटे जो तुमने गलती कर ली आप ऐसी गलती ना करियो, ये नौजवान ने नहीं बढ़ाया, हमने तो बढ़ाया ना, हमने तो इसकी राय भी ना दी थी, हमारे नौजवान ना दी, अब नौजवान हमारी गैल आ गया कि बाबा आप ऐसी गलती नहीं कर देंगे, हम जो होगी तो होगी, आगे हम तारी साथ है, सब नौजवान मेरी गैल आ रहा, देखो क्या हालत है। अब दोबारा से चुनाव होंगे तो चुनाव में आप लोगों का क्या मत रहेगा? मत ही रहेगा भाई, इसे राज नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं आने दे इसे, ऐसा बह गया चला घी मतलब मक्खी ना काट के बघेल दे, ये डाल बघेल देंगे इसे, तानाशाही चला रहा चला लो अपनी, एक दिन बारी भी तानाशाही आओगी। लोहे के चने चबा दिए अंग्रेजों के और अब केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल घोपड़ा है, ये इलम सिंह और मैं 87 से आज तक लड़ाई लड़ रहे किसान के हित की, पर इतनी बुरी सरकार, इतनी जनहित विरोधी सरकार आज तक नहीं आई, ये अब किसान आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है, ये जो कॉरपोरेट घरानों को सारे देश को बेच रहे हैं, हम जमीन और किसान को नहीं बेचने देंगे चाहे मर जा,
हो कह रहा है ये जुमलेबाज लोगों की सरकार है जो झूठ को जुमले कहते हो। इन्होंने जितने चुनाव के टाइम पे जुमले बोले ना वे सारे उल्टे हुए। अच्छा अब यूँ कहें अब क्या करो यकीन, अरे अजमाए हुए ना अजमाओ वो बाप मारे बेटे मारे भाई मारे भतीजे कारगिल में, मेरे दो भतीजे उस पर चाइना बॉर्डर पे, इसके दो बेटे इसमें है एयरफोर्स में मिलिट्री में, हमारे बच्चे वहाँ मरण लग रहे हम यहाँ फांसी खा रहे खेतों में। बेटा इतना अन्याय सरकार, अंग्रेज भी इनसे 100 गुण अच्छे थे जो हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, इनसे अंग्रेज अच्छे थे। ये लोग तो इस देश को बेचने के लिए लग रहे हैं, 2-4 कॉरपोरेट घराने जिन्हें देश का सौदा कर दिया, और हमारे इस कानून से पहले उनके वेयर हाउस बन गए जो अरबों टन इकट्ठा कर ले। ये देश जो गड्ढे में जा रहा है, इसे बचाने के लिए देश की जनता और किसान सामने आ गया। बेटा उम्र बढ़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर थोड़ा सा शरीर पे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, लेकिन वही जोश वही जज्बा जो आज से कई साल पहले था वो अभी भी बरकरार है, और उसी जोश के साथ ये धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार ये तीनों बिलों पर वापसी नहीं करती है तब तक यहाँ से वो नहीं हटेंगे। कैमरा पर्सन उमेश के साथ अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गाजीपुर, दिल्ली।